अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे खीर और पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो खीर कई तरह की बनती है, लेकिन आज हम चावल की खीर बनाएंगे। तो आइए हम खीर और पूरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक छोटे सा बाउल लिया है, उसे हाफ भर के हम चावल लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी प्रकार के चावल यूज़ कर सकते हो। उसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और 1 घंटे के लिए हम इसे भिगो के रख देंगे। हमने 1.5 लीटर दूध लिया है, उसे हम अच्छे से उबाल आने तक गर्म करेंगे। उसमें हमने जो चावल सोक किए थे वो हम ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम लो फ्लेम तक 1 घंटे के लिए पकाएंगे और हमने बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि हमारी खीर नीचे से जल ना जाए। हमारे चावल पक जाए वहाँ तक हमें पकाना है। इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम केसर ऐड करेंगे। केसर ऑप्शनल है, आप अवॉइड भी कर सकते हो। देखिए हमारी खीर पक चुकी है, इसे हमने थोड़ा सा मिक्सर में पीस लिया है। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप कोई भी तरह के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। मैंने बादाम और किशमिश ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें वेनिला एसेंस ऐड करूंगी और हमारी खीर बन चुकी है। अब हम पूरी बनाएंगे। पूरी के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे से हमारी पूरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसमें हम घी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी नाप के इसका एक डो रेडी करेंगे। इसमें से हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। देखिए हमने ये साइज़ की लोई बनानी है और इसकी हम पूरी बेलेंगे। अब हम इसे तेल में तल लेंगे। देखिए हमारी पूरी बहुत ही अच्छी बन रही है। हमारी खीर और पूरी रेडी है, आइए हम सर्व करते हैं। देखिए हमारी माउथ वाटरिंग खीर और पूरी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।